क्या एक मुस्लिम परिवार इंसान के सबसे वफादार कहे जाने वाले दोस्त डॉग यानी कुत्ते को अपने घर में नहीं पाल सकता है, अपना पालतू नहीं रख सकता है? सवाल आपने सबसे सामने सुन लिया कि जो इंसान के सबसे वफादार दोस्त कहा जा रहा है कुत्ते के मुताबिक, कि क्या कुत्ते को घर में नहीं पाल सकते हैं, उसे घर में नहीं रख सकते हैं, ये सवाल है। और कुत्ते के मुताबिक अगर आप देखोगे तो बहुत लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं कि कुत्ते को रखना क्यों इस्लाम में मना है, हाँ, और क्यों कुत्ता नहीं रखा जा सकता। और कुत्ते के मुताबिक चंद और चीजें हैं कि क्या कुत्ते को कत्ल कर देने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। बाज लोग ये सवाल उठाते हैं, उसकी भी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स वगैरह अवेलेबल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुत्तों का कत्ल कर दो और कुत्ते को घर में नहीं रख सकते, और अगर घर में कुत्ता हुआ तो इतना सवाब आमाल में से कम हो जाएगा, फरिश्ते घर में नहीं आएंगे। आइए हम इस सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने सारे जिंदा क्रीचर्स, लिविंग क्रीचर्स, जीवित प्राणियों के साथ अच्छा सलूक करने सिखाया। आपको ऐसी कई हदीसें मिलेगी, जैसे एक हदीस आपके सामने है, सही बुखारी की हदीस है, कि एक आदमी रास्ते पर चल रहा था, बहुत प्यासा हुआ, उसने कुएं को देखा, कुएं में वो नीचे उतरा, पानी पिया, बाहर निकला, और बाहर निकला तो उसने देखा कि कुत्ता बहुत ही शदीद प्यास की वजह से, एकदम बहुत ही एक्सेसिव प्यास की वजह से वो जैसे कि मट्टी को चाट रहा है और सांस ले रहा है। तो वो आदमी ने अपने आप से कहा कि ये कुत्ता भी उसी चीज से गुजर रहा है, उसी प्यास से गुजर रहा है जिससे मैं गुजरा। तो वो कुएं में फिर से नीचे उतरा, उसने अपने जूते को पानी से भरा, और जाहिर सी बात है हाथ पकड़ करके बाहर निकलना होता है, तो कैसे वो जूते को पकड़े, तो अपने मुंह से उसने पकड़ा उस अपने जूते को ताकि जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और वो बाहर निकला, काफी तकलीफ से भरा उसने, और भर करके उसने बाहर आके उस कुत्ते को पानी पिलाया, और अल्लाह ताला ने उसे उस नेकी का बदला, फशकरल्लाहु लहू फगफर लहू, अल्लाह ताला उसे बदला दिया और अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। और सहाबा ने जब ये सुना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, वा इन्ना लना फिल बहाइमी अजरन, क्या हमारे लिए जानवरों की खिदमत में भी अजर है, सवाब है? तो उनकी तालीम सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली दाति कबिदिन रतबतिन अजर, हर वो शख्स जिसके अंदर जो लिविंग क्रीचर हो, जिसके अंदर जैसे जान हो, जिसके अंदर जो लिविंग गीलापन हो, जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं उन सबकी खिदमत में अजर है। तो इस्लाम की तालीम कुत्ते के ताल्लुक से ये बात मैं बताना बहुत जरूरी इसलिए था, समझता हूँ जवाब देने से पहले, क्योंकि बाज लोग ये बताते हैं जैसे कि इस्लाम में जानवरों के साथ क्रूरिटी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको कई हदीसें मिलेगी कि जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के राइट्स के लिए बात की, जानवरों के साथ में जैसे चाहे ऊंट क्यों ना हो उसके साथ में उसको तकलीफ देना, ओवर वर्क कराना, खाना पीना नहीं देना, इसके ताल्लुक से भी कहा गया, और एनिमल राइट्स का तो पूरा टॉपिक बयान किया जा सकता है। लेकिन आइए मेन सवाल, मेन सवाल यह है कि क्या इस्लाम में कुत्ते को एज अ पेट रखना क्या मना है? तो हाँ, आप देखोगे हदीस इसमें मौजूद है, सही बुखारी की हदीस नंबर 2322, जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमसका कल्बन फइन्नहु यनखुदु कुल्ल यौमिन मिन अमलिही क़िरात, जो अपने घर में एक कुत्ते को रखता है तो घर जो कुत्ते को रखता है उसके लिए उसकी नेकियों में से एक क़िरात, एक पहाड़ के बराबर नेकी रोज कम हो जाएगी, रोज उसकी निकिया उतनी कम हो जाएगी। इल्ला कल्बा हर सिन, और पालने के लिए क्या चीज एक्सेप्शन है, सिवाय कल्बा हर सिन, सिवाय जो खेती को संभालने के लिए, जैसे होता है फार्म होता है, अब फार्म के ऊपर कोई ताकि जानवर ना आ जाए, खा ना जाए खेती बाड़ी, या जो उसके जो खेती के क्रॉप्स होते हैं, जो फसल है उसे खा ना जाए, तो कुछ होते हैं फार्म डॉग होते हैं, जो फार्म डॉग्स होते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिवाय फार्म डॉग के कल्बा हर सिन। और हम ये देखते हैं कि जो वफादार दोस्त की बात थी, तो वफादार दोस्त के लिए सही मुनासिब काम भी है कि कल बाहर दिन और माशियतिन, या चाहे जो कैटल को संभालने वाला, जैसे होता है जिसके अंदर जैसे शीप डॉग बोलते हैं, या जो शीप होती है उसको संभालने वाला जो कुत्ता होता है, तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्शन किया। और अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे, कलबा सही दिन, जो शिकारी कुत्ता होता है, जो शिकारी कुत्ता होता है, तो वो शिकारी कुत्ते की भी इजाजत है, बल्कि शिकारी कुत्ता जिसको ट्रेन किया जाए और उसे छोड़ा जाए तो उसका शिकार किया हुआ जानवर भी खाना हलाल होता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और इस तरह से कुत्ते का शिकार किया हुआ, जो शिकारी कुत्ते का शिकार किया हुआ जो जानवर होता है उसको खाना भी हलाल है इस्लाम के अंदर, शिकारी कुत्ता। तो ये तीन एक्सेप्शन यहाँ पे क्लियरली जिक्र है। और बाज़ उलमा इकराम ने इसी चीज से, अगर कोई घर या कोई एरिया में ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाहर कोई गार्ड करने वाला कुत्ता चाहिए, घर के बाहर हो और ऐसी कोई जगह सिचुएशन है जिसके अंदर जरूरत है, तो इसकी इजाजत बाज़ उलमा इकराम ने दी है, ये तीन की बुनियाद पर, ये गार्ड डॉग जो गार्ड करने के लिए है इसकी भी इजाजत
दी है बाजुल मकरम। तो ये चीज जिक्र है, लेकिन मेन सवाल अभी भी बाकी है कि कुत्ते को फाइनली घर के अंदर रखना इतना बड़ा गुनाह क्यों है। तो मैं आप सबको एक बात बताऊं कि हमारा ये मानना है कि हम सब इंसानों की नॉलेज इनकम्प्लीट है। हम लोग जानते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं, हमारी नॉलेज अधूरी है। हमें कई चीजें पता चलती है बाद में जाकर, और कई चीजें कभी भी हो सकता है नहीं पता चलती हो, लेकिन हम कई बार गलत फैसले करते रहते हैं, गलत चीजें करते रहते हैं अपने इनकम्प्लीट नॉलेज की बुनियाद पर। तो हम सबको सबसे पहले अपनी पोजीशन को पहचानना चाहिए कि हम है कौन, और दूसरी बात यह समझना चाहिए कि हमारा क्रिएटर जो है ना वो कायनात का बनाने वाला है, उसके पास हर चीज की नॉलेज है, पहले से है। कोई चीज होने के बाद उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, ऐसा नहीं, उसके पास पहले से इल्म है। अब कोई चीज जब उसके तरफ से हो तो उसके अंदर यकीनन कोई बहुत बड़ी विजडम है, कोई बहुत बड़ी हिकमत है, और वो जानता है हम नहीं जानते। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, एक बात आप ये कर सकते हैं कि वो कौन है, उसका तारुफ क्या है, तो हम उसको पहचाने कि वो मालिक हमारा कौन है, हम सबका पालनहार कौन है। हम ये पहचाने उसके बारे में कि उसने जो सच्चे पैगंबर को भेजा उसकी क्या निशानियां है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसकी कई सारी निशानियां है, क्लियर कट प्रूफ्स है। कुरान अल्लाह की किताब है, ये क्लियर कट कोई भी देख सकता है। अगर आप चाहें तो मेरी एक सीरीज है वाई इस्लाम 100 रीजंस, जो मैं ले रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कल उसकी आखिरी एपिसोड होगी। 90 रीजंस बता चुका हूं, 100 इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो 100 रीजंस तो मैंने दिया है, वो भी मेरे सिलेक्टेड, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो कोई इंसान अगर ये समझ जाए कि मेरे क्रिएटर की तरफ से किताब है, अब फिर आपको नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों कहा गया कि कुत्ते को मत रखना घर में, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा बड़ा इतनी बड़ी सजा है कि तुम्हारी नीकियों में से एक पहाड़ के बराबर नीकी रोज चली जाएगी। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसे कहते हैं ट्रस्ट करो भाई, तुमने अपने देख लिया ना कि तुम्हारे क्रिएटर की तरफ से रहे, भले ही तुम्हें नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा समझो इस बात को कि वो क्रिएटर है तुम्हारा, वो जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह यालमु मन खलक, क्या जिसने बनाया वो नहीं जानेगा? आप खुद सोचो, क्या जिसने हमें बनाया क्या वो नहीं जानेगा? क्या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो? क्या अपनी अकल पे इतना ज्यादा भरोसा है? तो आइए आज इस टॉपिक को हम एनालाइज करते हैं। कुछ निशानियां वाजे है जो कोई भी देखकर समझ सकता है, लेकिन मैं ये चीज की बुनियाद इस चीज पर रखना चाहता हूं कि ईमान और फेथ अगर किसी के पास आ गया, फिर उसको ये सवाल का जवाब नहीं भी समझ में आता तो उसको भरोसा आना चाहिए अपने क्रिएटर के ऊपर। हाँ जी, तो आइए हम देखते हैं इस बारे में फर्दर चीजें। जो कुत्ते की जो सलाइवा है, दुआब, जो कुत्ते की जो सलाइवा है वो इम्प्योरिटी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहुरु इनाई अहदिकुम, कि तुम में से किसी का बर्तन, हाँ, इदा वलग फीहिल कल्ब, कि अगर उसके अंदर कुत्ता उसे चाट ले, हाँ, यगसिलहु सब अमरात, उसे चाहिए कि 7 बार उस बर्तन को धोए, उलाहुन्ना बितुराब, उनमें से पहली बार मिट्टी से धोए। तो एक हदीस में आया कि पहली बार, एक हदीस में आया आखिरी बार, लेकिन मिट्टी से धोए, मिट्टी से, और फिर उसके बाद उसको 7 बार धोए, और एक में आया 7 बार धोए, आखिरी बार मिट्टी से धोए, दोनों चीजों की हदीस हमें मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि ये 7 times वॉश करने कहा गया, इतना ज्यादा सीरियस मामला है। और हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग कुत्ते रखते हैं घर में, तो जो कुत्तों को किस तरह से वो लोग अपने साथ रखते हैं, कितना कुत्ता उनको लिक करता है, उनको चाटता है, उनके हाथों को, हाँ, यहां तक आगे बाज लोग किस करते हैं कुत्ते को, हाँ, कुत्ते को किस करते हैं। तो ये चीज के बारे में अब ये सवाल आ रहा है, यहां तो इतनी स्ट्रिक्ट बात कही गई है, फिर क्या है मामला? आइए देखते हैं। मैं आपके सामने अभी थोड़ी रिपोर्ट्स रख रहा हूं। देखिए, सबसे पहला रिसर्च पेपर है, और ये रिसर्च पेपर्स नॉन मुस्लिम्स ने डिस्कवर किया है, और जो मैं बातें रख रहा हूं ये पूरी सेक्युलर दुनिया की रिसर्च है। उसके अंदर क्या बात आई, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर ये एक फर्स्ट रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे क्या पता चलता है कि टूथ एंड गम बैक्टीरिया जो होते हैं वो डॉग से इंसानों में ट्रांसमिट होते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरियोडोंटोपैथिक बैक्टीरियल स्पीशीज इन डॉग्स एंड देयर ओनर्स। तो ये रिसर्च के अंदर क्या आया कि ये ट्रांसमिट हो सकती है इंसानों से डॉग्स में और डॉग से इंसानों में। तो ये जो मान लो कि जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, वो आगे यहां से वहां जाते हैं, ये बात पहले पता चली। ऐसा नहीं होता है कि उनके यहां नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता है, ये बात पहले देखिए। और आप ये केस देखोगे, एक 70 साल की कॉकेशियन औरत के ताल्लुक से आया था कि उसको कैप्नोसाइटोफैगा कैनिमोर्सिस सेप्टिकैमिया, ये बैक्टीरिया का जो उसको ये डिजीज, उसको ट्रीट किया गया, उसके ताल्लुक से देखा गया कि एक ही चीज थी कि उसके पास इटालियन एक ग्रेहाउंड कुत्ता था, हाउस होल्ड पेट, और ना उसने बाइट किया था ना स्क्रैच किया था। ऐसे केसेस में जब ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाए
लेकिन वो लिक करता था, चाटता था उसे। तो उस औरत के बारे में क्या देखा गया कि ये बैक्टीरिया इस तरह से ग्रो हुई जो इन डॉग्स और कैट्स के मुंह में होती है, हाँ मुंह में होती है, ओरल कैविटीज में होती है। तो वो चीज की वजह से उसको सिवियर इंफेक्शन हो गया, सिवियर इन्फेक्शन, उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हुए, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो गए, हाँ, और यानी कि बहुत ही सिवियरली डिटीरियोरेटेड रैपिडली विद सेप्सिस, हाँ बहुत उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट हुई। और ये चीज हुई, ये केस एस्टैब्लिश है। देखिए क्या होता है, कई बार कोई चीज हो रही होती है उसकी वजह पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं बाजों का, कभी कभार क्या होता है ना कि वजह को कैच नहीं कर पाते कि अच्छा इसकी वजह क्या हो रही होती है, बहुत सारे केसेस में हो रही होती है, लेकिन वो वजह को पिन पॉइंट करने के लिए कोई ऐसा क्लियर केस आ जाए। तो ऐसा क्लियर केस एक इनके सामने आया जिससे वो बात आई। अब चलिए मैं आपके सामने कुछ चीजें बताता हूं कि एक डॉग के माउथ में और ह्यूमन माउथ में दोनों में बैक्टीरिया होते हैं, तकरीबन 700 अलग अलग स्पीशीज के बैक्टीरिया होते हैं, और हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाना डाइजेस्ट करने वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो कुत्ते के मुंह में जो बैक्टीरिया है, हमारे मुंह से अलग बैक्टीरिया होते हैं, यानी अक्सर उनमें से हमारे मुंह से अलग होते हैं। वो फिगर आगे आने वाला है, आप देखोगे कितने अलग होते हैं, ये मैं पढ़ रहा हूं। और इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये पैस्टरेला कैनिस, ये जो बैक्टीरिया है, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्सन स्किन विच हैज बीन बिटन बाय अ डॉग। अगर डॉग अगर बाइट करता है तो चमड़ी में जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म मिलता है वो कौन सा होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ये है, हा? आप जो सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं। और ये बैक्टीरिया के अलावा एक सेकंड बैक्टीरिया दी हुई है जो कैप्नोसिप्टोफैगा कैनिमोर्सिस, जो बाइट की वूंड से होती है जिससे सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपने देखा कि 700 अलग अलग तरह की बैक्टीरिया स्पीशीज, 700 अलग अलग तरह की स्पीशीज होती है, और ऐसे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो 700 स्पीशीज में बिलोंग करते हैं, 700 स्पीशीज में से बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं, और इसमें से सबसे सिवियर जो है वो है रैबीज। तो रैबीज का मामला क्या है कि अगर एक इंफेक्टेड डॉग अगर एक शख्स को बाइट कर ले, हाँ अगर बाइट कर ले तो वो इंसान तक वो इन्फेक्शन आ सकता है। और आप जानते हैं कि जो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि इन्फेक्शन ना आए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन आ गया तो फिर क्या होगा, उसके बाद इसका जो फेटलिटी रेट है रेबीज का वो ऑलमोस्ट 100% है, यानी अगर इन्फेक्शन हो गया तो बचने का चांस नहीं है। लेकिन ना होने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए जैसे ही काटा तो कोई भी डॉक्टर क्या करेगा, उसको वो इंजेक्शन देगा बचने के लिए। तो देखा जाता है कि जो डॉग्स को हो जाता है तो उनका बिहेवियर वैसा हो जाता है, एंग्जाइटी नर्वसनेस, आगे जाके अग्रेसिव हो जाते हैं, वैसे डॉग्स जिनको रेबीज हो गया है वो अग्रेसिव यानी कि गुस्से वाले, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड, डिसओरिएंटेड होते हैं, किसी को भी जाकर अटैक करने लगते हैं, उनके अंदर ट्रेमर्स और सीजर्स आने लगते हैं। ये रेबीज का इन्फेक्टेड कुत्तों की बात है। और अब सुनिए ये फर्स्ट लाइन में जो दिया है, नेक्स्ट रिपोर्ट है, अलग रिपोर्ट है। इसके अंदर आता है कि जो कॉमन जो होते हैं ना माइक्रोब्स इंसान और डॉग के बीच में 16% कॉमन होते हैं, 16.4%, यानी कि आप कितना देखेंगे, 83% से ज्यादा अनकॉमन होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। और आप देख रहे हो कितनी सारी ऐसी जो डिजीजेस है, कितनी सारी ऐसी बैक्टीरियाज हैं, और जो देखा गया है कि जो डॉग्स में और इंसानों में मौजूद है। अच्छा, अभी सबसे लास्ट पैराग्राफ देखिए, इसके अंदर क्या दिया गया, इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो भी डॉग की सलाइवा में मिलते हैं। मतलब जो आप वर्म्स होते हैं, हाँ जो पैरासाइट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वर्म्स जो टॉयलेट में पॉटी में हो जाते हैं, वो डॉग की सलाइवा में कैसे पहुंचते हैं, क्या आपको पता है कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि डॉग्स जो है वो पॉटी जब करते हैं ना, टॉयलेट जब करते हैं, तो उसके बाद वो अपने बैक को लिक करके साफ करते हैं, लिक करके साफ करते हैं टॉयलेट करने के बाद, और वो लिक करने की वजह से ये साफ होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, वो कीड़े जो होते हैं, उसके वर्म्स, उसके जो एग्स जो होते हैं और जो पैरासाइट्स होते हैं, वो डॉग्स के माउथ में और नेसल कैविटीज में मिलते हैं। तो आप देखोगे ये प्रॉब्लम भी है। वो डॉग जो बोलते हैं अरे कितना क्यूट है और आके लिक कर रहा है, वो क्या है, वो उसी डॉग के बारे में आपको ये बात भी जानना चाहिए कि उसके माउथ में, उसके नेसल कैविटीज के अंदर सारे इतने सारे बैक्टीरिया के स्पीशीज के अलावा उसके अंदर ये पैरासाइट्स भी मौजूद होते हैं। हाँ, पैरासाइट्स भी मौजूद होते हैं। और मैं आपको ये कुछ केसेस बताऊंगा, जैसे ये एक पर्सन के बारे में, ये केस के अंदर इसको इसके डॉग ने, ये पर्सन का हाथ काटने पड़े, पांव काटने पड़े और नोज काटने पड़े। क्यों? क्योंकि उसको इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया था डॉग की वजह से, और डॉग ने बाइट नहीं किया था, नो, ये डॉग बाइट का केस नहीं था, सिर्फ लिकिंग की वजह से। हाँ, ये आप देखिए,
जो आप डॉक्टर स्टीवन कोल का स्टेटमेंट है वो कहते हैं द टाइप ऑफ बैक्टीरियम कैनोसाइटोफैगा इज कंप्लीटली नॉर्मल कैनिमोर्सिस इज कंप्लीटली नॉर्मल फ्लोरा ऑफ अ डॉग माउथ. ये डॉक्टर डॉग के माउथ में बिल्कुल नॉर्मल है, उससे उस डॉग को डिजीज नहीं होती. However, in the wrong place, at the wrong time, in the wrong patient, it can lead to severe infections and very, very rarely. मतलब ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ लिक करने की वजह से ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होता है. और ये बैक्टीरिया 74% डॉग्स के अंदर पाया जाता है. CDC जो इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट की जो हेल्थ की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल उसकी वेबसाइट पर ये दिया हुआ है. आगे देखिए एक वुमेन का केस आया जिसके अंदर उसके पाँव एम्प्यूट किए गए, कट कर दिए गए, क्योंकि उसको डॉग ने लिक किया था. अब वो वुमेन के ताल्लुक से है कि उसको जो लिक किया था, जो चाटा था डॉग ने, तो स्क्रैच था उसके हाथ पर. उस स्क्रैच की वजह से उसके अंदर बॉडी के अंदर वो लिक करने की वजह से वो बैक्टीरिया चली गई. जो डॉग ने लिक किया उसकी वजह से वो बैक्टीरिया अंदर चली गई और उसकी वजह से उसको सीवियर गैंग्रीन हो गई. उसके पाँव को कट करना पड़ा और वजह क्या थी, वो डॉग का लिक करना. और ये सब चीज साबित है, ये केसेस आइडेंटिफाई होकर सामने आए हैं. बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कशन हुआ है. अगर आप देखोगे कई सारी वेबसाइट्स ने ये केसेस को रिपोर्ट किया है और कई सारे लोगों ने, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेटली डिटेक्ट हो गया. अब आइए आगे हम देखते हैं. आप देखिए रेबीज के अंदर क्या कहा गया कि रेबीज के 99% केसेस के अंदर डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पूरा लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि रेबीज के अंदर 99% केस जो पालतू कुत्ते होते हैं वो होते हैं जिम्मेदार रेबीज ट्रांसमिशन टू ह्यूमन बींग्स में. तो ये भी बात समझना चाहिए कि ये किस तरह से स्प्रेड होता है और बच्चे इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट विक्टिम्स होते हैं. बच्चों की वो चीज नहीं, उनका जो वो उस तरह से उस चीज को नहीं फाइट कर पाता उनका इम्यून सिस्टम, और वो सबसे ज्यादा इसके अंदर शिकार होता है.